वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यूपीएससी का एक पेपर अपलोड किया था पहले, जो जियोलॉजी ऑप्शन ए एंड बी का, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आपका। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहीं ना कमेंट किया था, सर बॉटनी का भी पेपर डालिए, तो मैंने ये वीडियो लेके आया आपके लिए। इसमें मैं ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है यूपीएससी का, मेंस का जो पेपर होता है, उसमें ऑप्शनल पेपर होता है 1 एंड 2, दो ऑप्शन के पेपर होते हैं, और एक पेपर जो पर्टिकुलर उसके मार्क्स जो होते हैं, दे हैव 250 मार्क्स, एंड पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है, यानी पेपर 1 एंड 2 होगा तो टोटल आपके 500 मार्क्स बनेंगे। तो जो 500 मार्क्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी है, तो यू कैन गेट बेटर रिजल्ट फ्रॉम दिस। और साइंस के लिए जो जॉलॉजी बॉटनी हो गया, या अपनी एमएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर वेरी एफिशिएंटली हेल्पफुल इन योर सिलेक्शन फॉर मेंस। सो चलिए, अभी पहले मैं आपके लिए जो पेपर 1 है बॉटनी का, वो डिस्कस करूँगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। फर्स्टली आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन एंड प्रिंटेड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगल होगा पेपर, और 8 क्वेश्चन 2 सेक्शन में है। कैंडिडेट ने 5 क्वेश्चंस करने हैं, इन ऑल अटेम्प्ट करने हैं, एंड क्वेश्चन 1 to 5 कंपलसरी है, आउट ऑफ रिमेनिंग यानी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपने करना है। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन जो सेक्शन ए है, इसके क्वेश्चंस देखिए। पहले क्वेश्चंस देख सकते हैं सेक्शन बी। सो क्या बोल रहा है इसमें, थोड़ा दोबारा एक बार फिर से देख लिए। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन 1 to 5 आर कंपलसरी, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग एनी 3 आर टू बी अटेम्प्टेड, चूजिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। सो आपने जो 5 क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी हैं, जो सीरीज ऑर्डर में 5 क्वेश्चन हैं जो कंपलसरी, उसमें से आपने 3 ही चूज़ करने हैं मेनली, और टोटल आपने अटेम्प्ट करने हैं 8 में से 4। तो ये आपकी ज़रूरी है, यानी फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से आपके जो 3 क्वेश्चन एटलीस्ट होने चाहिए। तो चलिए सेक्शन ए का जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ए है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है इन्होंने माइकोराइजल एसोसिएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्लांट। माइकोराइजल जो होते हैं, फंगल की एसोसिएशन हो जाती है विद द रूट्स। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यूज़फुल टॉपिक है, ये आपको बीएससी या एमएससी में मिल जाता है। तो आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, इट मैटर। सेकेंड, फर्स्ट में बी क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन बायो रेमिडिएशन एंड बायो लीचिंग। ये मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो डिटेल वीडियो उसका। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट एंडोफाइट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, उसको मॉसिस कहते हैं, उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइटिक एक साइकिल आपने डिस्क्राइब करना है, और कौन कौन सी आपको मिलती हैं। हेट्रोमॉर्फिक का मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप, इसमें आपका जो स्पोरोफाइट है और गेमेटोफाइट, दे विल डिफर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ई। फर्स्ट ई में क्या है आपका, ड्रा वेल लेवल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल ऑफ फनेरिया। फनेरिया के कैप्सूल का डायग्राम आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बीएससी बॉटनी में मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स फीचर मीन्स रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स ये फंगस की बात कर रहा है, उनमें जर्नल करेक्टर एस्कोमाइसिट्स के डिटेल में बता देने, उसके बाद इसके रिप्रोडक्शंस में उन्होंने सेक्सुअल एसेक्सुअल वेजिटेटिव जो भी इसमें आता है सारा लिखना विद डाइग्राम। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायर वाइड और वायरस लाइक पार्टिकल होते हैं, दे हैव डीएनए ओनली, और वायरस से थोड़ा डिफर करते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में लिखना है। व्हाट आर द क्रिटिकल फीचर ऑफ हेट्रोस्पोरी एंड शीड हैबिट इन ट्रीडोफाइट। ट्रीडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर, उनमें शीड कैसे बनते हैं, ये आपने सारा लिखना है। राइट द नेम एंड द कॉजल एजेंट सिंपल कंट्रोल मेजर ऑफ द येलो वेन ऑफ ओकरा।
एंड टुंडा डिजीज़ ऑफ वीट, ये बीमारियां हैं जो आपके माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया फंगस वगैरह कर देती है प्लांट्स को, उसके बारे में लिखना है। ये था आपका फर्स्ट पेज। सेकंड पेज पे आ जाइए, कमेंट ऑन स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लीफ ऑफ अजोला। अजोला आपका ट्रीडोफाइट है, उसके लीफ का लिखना है स्ट्रक्चर और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इसका TS ड्रा करना है या लेस, जो भी आप ड्रा कर सकते हो। कंपेयर द थैलस फॉर्म ऑफ द ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी, थैलस डिफर करना है। क्वेश्चन 4, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिस्टम ऑफ क्लासिक इक्वेशन ऑफ बेंथन एंड हुकर एंड हचिकसन। एक क्लासिफिकेशन दी थी इन्होंने, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोसिस्टमेटिक्स में आपको मिल जाएगा, बट आपने डिटेल में लिखना है, इसलिए आपको BSc लेवल की बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट कॉजेस द अनॉर्मस सेकेंडरी ग्रोथ इन सम डाइकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ का कारण क्या होता है। स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में माइक्रोबायोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। तो ये था सेक्शन नंबर फर्स्ट। तो जैसे आपने यहाँ क्वेश्चंस देख लिए हैं, इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चंस हैं और इसके डिवाइड किए हुए हैं एक सेक्शन में। तो इनमें से आपने कैसे चूज़ करना है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1-5 क्वेश्चन कंपलसरी है, 3 आर अटेम्प्टेड, इसमें से 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं फर्स्ट 5 तक आपने, ये आपको मैंने बता दिए। और यहाँ देखिए आगे सेक्शन बी, ये भी आपने 150 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट 5A, इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन फ्रॉम पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से आप हैप्लॉइड प्लांट कैसे बना सकते हो, ये पोलन कल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोकार्बन यील्डिंग एनर्जी क्रॉप एंड एडवांटेज ऑफ बायोडीजल क्या है, स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड एंड देयर एडवांटेजेस, C4 साइकिल क्रैंजनॉटमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके काफ़ी वीडियो मैंने डाले हैं, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और जो मेरे दोस्त प्रेपरेशन कर रहे हैं, मैं भी खुद प्रेपरेशन कर रहा हूँ UPSC के लिए, और जिस अगर किसी को मटेरियल चाहिए फॉर बॉटनी जियोलॉजी ऑप्शनल, आई कैन प्रोवाइड यू बेटर। पैलेनोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, पैलेनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, उसका क्या फ़ायदा, ये डिटेल में इसके ऊपर लिखना है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6A, डिफाइन हर्बेरियम, गिव इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हर्बेरियम क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, और नेम ऑफ 5 मेजर हर्बेरिया, ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट द बोटेनिकल नेम एंड फैमिलीज ऑफ प्लांट यील्डिंग बीवरेज नारकोटिक एंड गम, प्लांट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मैंने वीडियो डाला है, कौन से प्लांट को क्या क्या देते हैं ये भी पता है। वाट आर द आइडेंटिफाइंग करेक्टर ऑफ फ्लोरल डाइग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, बारबीनेसी एंड लिलीएसी फैमिली का बताना है, जनरल डिस्क्रिप्शन, ये मैंने प्लांट फैमिली का वीडियो डाला है, आप अगर आपको चाहिए यू कैन कमेंट मी ऑन व्हाट्सएप। हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ बेबीलॉब्स सेंटर ऑफ रीजन ऑफ क्रो प्लांट, डिफाइन द टोटिपोटेंसी एंड डिस्कस द साइटो डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये टोटिपोटेंसी के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7C, हो इज़ द एम्ब्रियोलॉजी यूजफुल इन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजी का क्या फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हो मैनी टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक आर नॉन अमंग एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कितने एम्ब्रियो सैक बनते हैं, जैसे मोनोस्पोरिक है, पॉलीस्पोरिक है, ये मैं ड्रा करके बता चुका हूँ आपको, ये आपको BSc में मिल जाएगा। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ जिनेटेलिस, जिनेटेलिस जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके बारे में लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन, मेंशन द एडवांटेजेस। तो ये था डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन पेपर ए। तो इसके लिए आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कुछ मटेरियल, जो बुक्स हैं आपने लेनी है। तो क्या क्या बुक्स चाहिए आपको मेंस के लिए फॉर योर ऑप्शनल पेपर, इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा, डैट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो चलिए अभी इसके बाद हम पेपर 2 के ऊपर आते हैं। सो ये है आपका पेपर नंबर 2, ये भी आपका 250 मार्क्स का है, 3 घंटे टाइम है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस सेम ही रहेंगे इनके लिए।
एक बात है स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग पे ऐसे ये सब्जेक्ट की में नहीं होती, बट आपकी जो अटेम्प्टेशन है वो मैटर करती है। आपका कैसा वे है लिखने का वो अट्रैक्ट करता है जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको। सो चलिए बॉटनी बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सेक्शन ए में शॉर्टली लिखना है इनके ऊपर, और 10 × 5 50 मार्क्स का है। जो 5 दिए हुए हैं ये 50 मार्क्स के हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। ये आपका 20 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में ए पार्ट जो है 10 + 10 20 10, तो कुछ यूनिक टाइप की इसकी डिवीज़न की हुई है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस को एक बार फॉलो कर लेते हैं। क्या इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट ने अटेम्प्ट करने 5 क्वेश्चन इन ऑल। क्वेश्चंस नंबर 1 और 5 आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी है, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग एनी 3। 1 और 5 पूरा करना है, बाकी रिमेनिंग 3 करने हैं, और अटेम्प्टिंग ईच अटेम्प्ट करना है फ्रॉम ईच सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है इसमें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज इम्पॉर्टेंट इन एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या हेल्पफुल है इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। साइटिंग द एग्जाम्पल डिस्कस ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है कापा पार्टिकल जो आते हैं आपके पैरामीशियम में उनमें होती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है। अगेन मैं इसके ऊपर एक टॉपिक जरूर डालूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग एंड रोल ऑफ सेल रिसेप्टर, ये भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। सेल सिग्नलिंग क्या होती है, सेल एक दूसरे को कैसे मैसेज देते हैं, और कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। हाउ डज द साइलेंसिंग ऑफ जीन अकर इन यूकैरियोटिक जीनोम एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन। जीन साइलेंसिंग में आरएनए टेक्नोलॉजी होती है, आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी ये हेल्प करती है। एक्सप्लेन विद द रिक्वायर्ड डायग्राम द केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है और केमिकली बताना क्या होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। सो इन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी, ये कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। यह लिखा हुआ है डार्क ब्राउन शीट कोट कलर इन फेजुअलस डोमिनेंट है लाइट ब्राउन के ऊपर। फॉलोइंग प्रोगेनी आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट विद द नोइंग फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप इज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ये क्रॉसिंग के एक्सपेरिमेंट है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर है काम करना आपने। ये बताना है कैसे पॉपुलेशन निकलती है क्रॉस करके। बी में डिस्कस द रोल ऑफ हिस्टोन इन रेगुलेटिंग द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर विद स्पेशल एम्फसिस ऑन हिस्टोन एंड टर्मिनल टेल एज वेल एज न्यूक्लियोसोम असेंबली। न्यूक्लियोसोम मॉडल के ऊपर काम करना है, उसके बताना है आपने। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट विद रिक्वायर्ड डायग्राम मेंशनिंग द रोल ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट स्टेप। ये वीडियो मैं करवा चुका हूँ आपको डिटेल में, आप मेरे चैनल के वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हो। डिस्कस ब्रीफली द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेलुलर एडिशन, सेल एडिशन मॉलिक्यूल कैदरीन जो होते हैं, ये भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। डिस्क्राइब सिक्वेंशियली द स्टेप ऑफ टीडीएनए ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम सेल, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कैसे हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखना है आपने। डिस्क्राइब द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम एंड प्रोक्सीसोम, ये सेल ऑर्गेनेली है इसके बारे में आपने लिखना है, प्रोक्सीसोम एंड राइबोसोम के बारे में। डिस्कस द टू डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, डीएनए को कैसे सीक्वेंस करते हैं उसके मेथड बताने हैं। 2 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इसके वीडियो मैंने डाले हुए हैं, इसके बारे में बताना है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बता रहा है? लिस्टेड द डिफरेंस बिटवीन सी फोर एंड कैम्प पाथवे गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। सी फोर एंड कैम्प में क्या डिफरेंस है, इसके वीडियो मैंने डाले हुए हैं और दोनों की क्या है सिग्निफिकेंस है ये भी मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। नेम द एटलीस्ट टू प्लांट नोन एज द प्लांट इंडिकेटर एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल इंडिकेटर हैं, इन्वायरमेंट में कैसे ग्रो करते हैं, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में या सॉइल में कोई नॉरिशमेंट कम है ज़्यादा है ये इंडिकेट करवा देते हैं, उसके बारे में लिखना है अपने। लिस्टेड विद एग्जाम्पल द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी कंजर्वेशन फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनर्जी फ्लो साइकिल आपने बताना है, वन चैनल एंड मल्टी चैनल पाथ भी होता है, एल शेप एंड वाई शेप डायग्राम। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR एंड इट्स ग्लोबल रेलिवेंस। इम्पैक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है इसके बारे में बताना है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन कैसे प्लांट को जाता है, मिनरल डेफिशिएंसी प्लांट में जो खनिज की कमी आ जाए तो क्या कमी आ जाती है, क्या बीमारियाँ होती हैं, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफरेंशिएट डिफरेंस जो है बताना है बिटवीन एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन का वीडियो मैंने डाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ATP सिंथेसिस का मैंने कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस बताया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या होते हैं इनके ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूँ। रोल ऑफ ग्लॉक्सिसोम इन कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम स्पेसिफिक बायो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन बेसिस ऑफ विच इंडोलो एसिटिक एसिड एंड जिब्रेलिन 3 एंड क्रिएटिन कैन बी आइडेंटिफाइड। इसके बायो एसिड की बात कर रहा है तीनों की, वो आपने बताने हैं। एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई विद एग्जाम्पल डैट रिसाइकलिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इन प्रेजेंट सिनेरियो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर अमंगस द ग्रेटेस्ट थ्रेट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, जस्टिफाइड स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल इसके बारे में बात करना है। वाट आर द मॉलिक्यूलर बेसिस एंड पॉसिबल मैन्युफलेशन विच मे हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट कैसे पकता है। लिस्टेड योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल द मैकेनिज्म बाय विच मूवमेंट ऑफ आयन प्लेस, आयन कैसे प्लेस करते हैं आउट एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इसमें यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट मैकेनिज्म आता है वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ सारा। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल इन वट वे द इको सिस्टम एंड कंजर्वेशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ए डिवेल्प बायोस्फीयर, बायोस्फीयर डिवेलपमेंट में क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर एट, डिस्कस द कंसेप्ट एंड डायनेमिक ऑफ प्लांट कम्युनिटी इसके बारे में। एक्सप्लेन द रेलिवेंसी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या है, इनवेजिव स्पीसीज क्या होती हैं, अप्रोचेस फॉर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सी पार्ट है ये नेक्स्ट, एक्सप्लेन द अप्रोचेस एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी इन रिलेशन टू सैलिनिटी एंड मेटल स्ट्रेस। अब नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं उसको स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं, वो कैसे करते हैं ये बताना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका, इसमें 8 क्वेश्चन थे टोटल और उसके सब पार्ट थे, ये आपने ऐसे देखा होगा। तो आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, 1 और 5 पूरा कंपलसरी है, आउट ऑफ रिमेनिंग में आपने 3-3 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपने कंप्लीट करना है। ये देख लिए क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 मॉड्यूल है, 50 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप कर सकते हो इसमें चूज करके एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मैं ले जाता हूँ आपको सीधा, 7, 6, 5, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि 50-50 मार्क्स है, ये 100 कवर कर रहा है, ठीक है। सो 100 तो इससे पूरा टोटल बनेंगे, टोटल आपका कितना है 250 का भी आपको बता देते हैं। और आउट ऑफ रिमेनिंग एनी 3 आर टू बी अटेम्प्टेड, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं और एक सेशन में आपने
एटलीस्ट वन क्वेश्चन करना है, तो बाकियों में देख लीजिए आपने थ्री अदर करने हैं, तो ये आपके मार्क्स यहाँ बन जाएगी ऑटोमेटिकली। सो टोटल आपके 8 क्वेश्चन आए हैं, तो आपने 3 अदर कंप्लीट करने, इसलिए इस तरह से आपके 250 कवर हो जाएंगे। तो कैसा वीडियो लगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए बॉटनी जियोलॉजी से रिगार्डिंग, क्या बुक फॉलो करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर लिख लीजिए 9464660714, इसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैंने काफ़ी टॉपिक डाले हुए हैं, एंड मेरा जो बैकग्राउंड है फ्रॉम लाइफ साइंसेस है, MSc जियोलॉजी, CSIR नेट क्वालिफाई हूँ, एंड आई कैन हेल्प यू इन बेटर वे रिगार्डिंग द मेंस ऑप्शनल पेपर बॉटनी एंड जियोलॉजी। सो बाकी के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है प्रीलिम में मुझे ज़रूर बताना। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ऑलरेडी पहले किया था पर पेपर नहीं दे पाया, तो होपफुली प्रेपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए।